अगर आज मैंने उन बेटियों की आमरण अनशन पर बैठी हैं और मेरी इच्छा है कि मैं भी उनके साथ बराबर से उतने दिन तक जितने दिन तक यहाँ पर स्वाति जी बैठी हैं मैं भी उनके साथ बैठूं और इस अनशन का हिस्सा बनूं, क्योंकि मेरे पास चार बेटियां हैं और अगर आज मैंने इस अनशन के साथ मैंने इनका साथ नहीं दिया तो ये जो लड़ाई है वो अधूरी रह जाएगी। मैंने नरेला क्षेत्र, दिल्ली का एक क्षेत्र है जो बाहरी दिल्ली का क्षेत्र है, नरेला के अंदर पिछले 3 साल से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं कि क्या कहते हैं भाई नशे के खिलाफ जितने भी लोग जो अवैध नशा बेच रहे हैं, अवैध नशा माफिया है, नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन जब हमने ये देखा कि ज़्यादातर हिंसाएं, ज़्यादातर बलात्कार जो होते हैं वो नशे के कारण ही होते हैं, ज़्यादातर घरेलू हिंसाएं नशे के कारण होती है। अगर हम नशे पर पाबंदी लगाएं तो हमें लगता है कि जो पूरा समाज है वो शिथिल हो जाएगा और वो क्या कहते इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं करेगा। तो हमने जब कल्पना करी कि भी किस तरीके से हिंसा हो रही है तो नशे को लेकर के, और हमने जो भी अवैध नशा बेचने वाले थे उनके खिलाफ हमने आवाज उठाई। हमें जहाँ पता चलता था कि यहाँ पे शराब रखी गई है हम शराब पकड़वाते थे, जहाँ हमें पता चला यहाँ गांजा रखा हुआ है हम गांजा पकड़वाते थे, जहाँ हमें पता चला यहाँ स्मैक है वहां पर मैं किसी को नहीं कहती थी, मैं सिर्फ ये कहती थी आप मेरे पीछे रहो मैं आगे रहूंगी और मैं खुद फोर फ्रंट में आऊंगी, क्योंकि ये लड़ाई मेरे को सिर्फ आपका सपोर्ट पीछे से चाहिए। आप मुझे सिर्फ इतना बोलो कि जैसे अभी दीदी बोल रही थी कि आप मुझे सिर्फ इतना बोलो कि आप कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, यही आवाज क्या कहते हैं हमारे नरेला में भी आई कि नहीं हम नशे के खिलाफ आवाज उठाकर रहेंगे, और हमने आवाज उठाई। और आप सब जानते हैं कि इतना बड़ा 7 दिसंबर को क्या कहते मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी। उन्होंने सोचा था कि मैं हिम्मत हार जाऊंगी, मैं घुटने टेक दूंगी, रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, मदद मांगूंगी, लेकिन मदद किससे मांगू, वहां पे सवाल था कि मदद किससे मांगू, क्योंकि मुहिम तो हमने छेड़ी है, हम बहनों ने छेड़ी है, हम महिलाओं ने छेड़ी है, हम बच्चों ने छेड़ी है, और अगर एक महिला उन अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ उनके आगे गिड़गिड़ाएगी तो लानत है ऐसी जिंदगी पर, लानत है हमें अपने आप को औरत कहने पर कि जिसके खिलाफ हम क्या कहते हैं आवाज उठा रहे हैं उनसे हम माफी मांगेंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने अस्पताल में रहने के बावजूद भी मैंने ये कहा कि जब भी मैं जाऊंगी मैं इस मुहिम को पीछे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको बराबर से वो करूंगी। अभी 15 दिन पहले हमने 20 किलो गांजा पकड़वाया, 15 दिन पहले कोई भी घटना होती है मैं सबसे पहले वहां पहुंचती हूँ ये पता करने के लिए क्या ये झूठी तो नहीं है, क्या ये मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है। वहां पर पहुंच करके मुझे ये चिंता नहीं कि मैं मर जाऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा, गोली लग जाएगी, क्योंकि आए दिन मुझे थ्रेट्स मिलती रहती हैं कि मुंह बंद करके बैठ जाओ, मुंह बंद करके बैठ जाओ। क्यों बैठे, हमारा कसूर क्या है? घर में पति पीकर आए तो औरत पिटती है, बाप पीकर आए तो बेटी पिटती है, क्यों भाई? स्कूल में अगर लड़की जा रही है, हमने मांग करी थी कि स्कूल के आगे PCR घूमनी चाहिए, लड़के वहां पे छेड़ते हैं, अभी नाटक में आपने देखा कि किस तरीके से हो रहा है, क्यों हम क्यों चुप रहे, किस लिए चुप रहे? हम एक औरत है इसलिए चुप रहे? अरे हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम औरत है और हमारे भी अधिकार है। अगर हमें अधिकार प्यार से नहीं मिलते तो हम अनशन पर बैठ कर अपने अधिकार मांगेंगे। और ये जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करते हैं, ऐसे बलात्कारियों को फांसी से पहले उनको चौराहे पे लाकर के ऐसी सजा देनी चाहिए कि उनके लिंग काट देने चाहिए। मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं आ रहा है, क्योंकि उसी वजह से वो कहते हैं कि हम मर्द हैं, उनको ना मर्द करके फिर उनको फांसी दी जाए।
क्यों झुके? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार हर चीज को मनवाती है कि हाँ हम ऐसा कर देंगे, ये कानून पास कर देंगे, वो कानून पास कर देंगे। अरे कानून पास करना है तो इज्जत से, सम्मान से औरतों को रहने का सम्मान दो ना। क्यों नहीं कानून बना रहे? क्यों इतना देर कर रहे हैं? किस लिए देर कर रहे हैं? क्या और लड़कियां मरे? क्या जम्मू में जो लड़की के साथ हुआ उसको काट कर फेंक दिया? क्या दोष था उसका है? जो अभी क्या कहते ये यूपी में हुआ, क्या कारण था? दिल्ली के अंदर ही बच्ची अस्पताल में, उसका 17 अप्रैल को ऑपरेशन दोबारा होना है, क्या दोष था? सिर्फ दोष इतना है कि हम और आप जागरूक नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हमें वो समय निकालना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज आपकी लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है, आपकी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। अगर मैं मजबूत हूं तो मैं कहती हूं मेरी लड़की को छेड़ के दिखाओ, खुला चैलेंज है। मैं कहती हूं जिस आदमी के अंदर हिम्मत है, जिस लड़के के अंदर हिम्मत है, मेरे पास 4 बेटियां हैं, एक को छेड़ के दिखाओ, काट के खंड खंड कर दूंगी मैं। मैं उनमें से नहीं हूं कि मेरी लड़की के साथ बलात्कार होगा और मैं कानून से जाके बोलूंगी साहब जी मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। नहीं, उस साहब को भी उसके घेरे में खड़ा करूंगी। तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारी कानून की न्यायपालिका की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों डर रहे हैं? मजबूत बनने की जरूरत है। और अगर आज हम सब लोग इनके साथ नहीं जुड़े, स्वाति बहन के साथ नहीं जुड़े, तो हमारी मुहिम कहीं ना कहीं अछूती रह जाएगी। हम निमंत्रण पत्र अब लिख लिख कर देते रहेंगे, वो कागज की गद्दी में डाल दिए जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, चाहे वो पीएम हो, चाहे उस कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हो, वो कोई नहीं सुनेगा। एक चपरासी से लेकर एक न्यायपालिका तक सब करप्ट है। क्योंकि मैं इस केस से जूझ रही हूं। आज जब मैं जाती हूं एक शराब माफिया के खिलाफ, आज बता रही हूं मैं आपको, जमानत क्या कह करके दी गई? बिजनेस है, बिजनेस है जी, वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो रेड क्यों पड़ रही है उनके घर में? हमें शौक चढ़ रहा है कपड़े फाड़ कर दिखाने का, तो आंखें बंद कर लो। क्यों नहीं तुम अपनी आंखें बंद करते? क्यों हमारा जिस्म देख रहे हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस जिस्म को तुम देख रहे हो, जिस जिस्म के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, उसी जिस्म से तुम निकले हो। तुम्हें 9 महीने कोख में रखा गया है, क्यों भूल जाते हो? अपनी नामर्दगी साबित करते हो तुम पुरुष वर्ग। जो भी ऐसे पुरुष समाज में आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हमेशा, एक कविता है, मुझे पूरी नहीं आती पर उसकी कड़ी में आपको गाके सुनाती, और मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ बोलिए। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। जो सहती रही तो क्या ये जमाना बदला है? तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तभी ही ये जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कुछ तो सोचो, कुछ तो सच सोचो, ये तुमने क्यों है अपनाए? सोचो, कुछ तो समझो, ये तुमने क्यों है अपनाए? सोचो, कुछ तो समझो, ये क्यों तुमने है अपनाए? दस्तूर पुराने सदियों के, ये आए कहाँ से, क्यों आए? तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तभी ही ये जमाना बदलेगा।
कसम, मौजू की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी ही ये जमाना बदलेगा। ये कविता कमला भसीन ने लिखी थी हम औरतों के अंदर ऐसी आग पैदा करने के लिए कि हम चुपचाप क्यों सहते हैं, किस लिए सहते हैं। अगर पति ने एक थप्पड़ हमें जिस दिन मारा बिना हमारी गलती के, अगर हमने उसी दिन आवाज उठाई होती तो ये हादसा दोबारा नहीं होता कि उसे जलाया जाता या उसे मारा पीटा जाता या उसके साथ जहर दे दिया जाता। अभी भी 4-5 दिन पहले का केस है यहाँ का, भजनपुरा का, औरत को जहर दे दिया, वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। सोच करके मुझे बहुत दुख हुआ, जैसे कि मैं ही प्रेग्नेंट हूँ। तो ये लगा लो कि ऐसी स्थिति हम क्यों पैदा होने देते हैं। ऐसी स्थिति मत पैदा होने दो बहनों, और हम सरकार से ये अपील करें कि हमारी मांग को, इस मांग को पूरा करें, रेप रोको जैसे कार्य कानून बनाए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जहां स्वाति जी होंगी वहां पे मैं हमेशा नजर आऊंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे ये कपड़े मेरे तन पर ढके हुए नहीं है, ये कपड़े मेरे तन पर ढके हुए नहीं जो पहन करके आई हूं। जो इन्होंने मुझे सम्मान दिया, जो इन्होंने मुझे इज्जत दी, उस समाज में वापस जाने के लिए वो चोला मैं ऊपर से ओढ़ करके आई हूं, नहीं तो मेरे तन पे ये कपड़ा नहीं है, मेरे तन पे कपड़ा नहीं है।